अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस पैराग्राफ इज़ लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर यूनिट विच इज़ 1.3.4 नरेटिव टेक्निक। एंड आफ्टर दिस पैराग्राफ वी विल स्टार्ट अप आवर न्यू यूनिट। एंड आवर न्यू यूनिट आवर मोर फर्दर यूनिट्स आर डेवलप्ड इन स्मॉल पैराग्राफिक वे एंड इट विल बी एक्सप्लेन्ड। आई विल एक्सप्लेन ऑल द पैराग्राफ्स इन वन सिंगल वीडियो, ओके? एंड देन आफ्टर ऑल दीज स्मॉल यूनिट्स वी विल मूव आउट टू द स्टोरी, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। इन कीपिंग विथ आवर वर्ल्ड क्रैम्ड विथ स्ट्रेंज अनकैनी एंड फैंटास्टिक इवेंट्स, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया में बने हुए हैं हम, रह रहे हैं हम, और इस तरीके से हमारे ये दुनिया भरी पड़ी है इस एक तरह की अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं इस दुनिया में, कुछ मज़ेदार से भी होते हैं और कुछ अजीब भी होते हैं, ठीक है? तो इस दुनिया में इस तरह के कह लें कि हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जो बहुत अजीब भी होते हैं, जो मज़ेदार से भी लगते हैं और जो अजीब व गरीब से भी लगते हैं, और इस तरह से पूरी दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है? द फॉर्म ऑफ नरेटिव अंडरवेंट रेडिकल चेंजेस, ठीक है? ये क्या बता रहा है कि जो फॉर्म है नरेटिव टेक्निक, ये पैराग्राफ भी नरेटिव टेक्निक का लास्ट एंड लाइक एलाबोरेटिव लास्ट पैराग्राफ है, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये नरेटिव टेक्निक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। लास्ट में इस जो नरेटिव टेक्निक आज के जो दौर है राइटिंग का, वहाँ जहाँ कहाँ पहुँची है वो ये पैराग्राफ बताएगा, ठीक है? कितने सारे चेंजेस के बाद और क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत हो चुकी है या क्या कुछ इसके साथ पेश आ चुका है और कितने बदलाव हो चुके हैं। जो सोक्रेट का दौर था उसमें नरेटिव टेक्निक के बारे में क्या बातें कही गई थी, और जो एरिस्टोटल का दौर था उसके बारे में क्या उन्होंने क्या बातें की हैं ड्रामास के बारे में एंड द डिपिक्शन के बारे में एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग के बारे में, ठीक है? तो ये भी नरेटिव टेक्निक भी एक एलिमेंट है स्टोरी राइटिंग में, एवरी फॉर्म ऑफ राइटिंग का एक एलिमेंट है, ठीक है? एक ज़रूरी हेल्पिंग लाइक वो आई वुड से द हेल्पिंग आंसर है कि मददगार सा एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको लेकर के राइटर चलता है, ठीक है? द फॉर्म ऑफ नरेटिव यानी कि जो बहुत बुनियादी बदलाव के साथ गुजरा है नरेटिव टेक्निक जो है या नरेशन जो है वो बुनियादी बदलाव के साथ गुजरा है ये, इसके साथ बुनियादी बदलाव हुए हैं। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, जो तारीखी वाक़यात थे वो अब वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बयान करने को या बताने को, ठीक है? द यूनिटी ऑफ टाइम इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, और नेटिव टेक्निक में द यूनिटी ऑफ टाइम जो है जिसको सोक्रेट और एरिस्टोटल ने कहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट, बट इधर कह रहे हैं कि नहीं है ज़रूरी। अ स्टोरी डज नॉट नेसेसरली हैव टू हैव अ बिगनिंग अ मिडल एंड एन एंड, all these points are really very against of the points of rules of Socrates and Aristotle, ठीक है? ये भी अरिस्टोटल और सोक्रेट ने मना किया है कि यूनिटी ऑफ टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी नीड्स टू अ पर्टिकुलर स्टोरी नीड्स टू हैव अ बिगनिंग एंड अ पर्टिकुलर मिडल एंड एन अप्रोप्रिएट एंड, ठीक है? लेकिन इधर कह रहे कि स्टोरी डज नॉट नेसेसरली हैव टू हैव अ बिगनिंग अ मिडल एंड एन एंड, इसमें ज़रूरी नहीं है एक कहानी को एक प्रॉपर शुरुआत की भी ज़रूरत नहीं है, एक बीच के हिस्से की भी ज़रूरत है और एक आखिरी की भी ज़रूरत नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो उसके रेजोल्यूशंस होते हैं उसके हल, उसका हल जो हम ढूंढ रहे होते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं तो उसका इस ड्रामे में इसका हल क्या होगा, लेकिन यहाँ ये बता रही है ये पैराग्राफ कि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल लाइफ ऑफर्स नो सोल्यूशन, आखिरकार ज़िंदगी जो है सब कुछ होने के बाद ज़िंदगी हमें सोल्यूशन नहीं देती है, ये पैराग्राफ ये हमें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ शायद बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अरिस्टोटल एंड सोक्रेट्स एंड डिफरेंट मेनी अदर्स राइटर्स हु आर इवन राइटिंग एंड हैव रिटन मैनी बुक्स एंड क्रिटिसाइजर्स आर देयर, उन्होंने भी ये कहा है कि ये सारी चीज़ें रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि जो ज़िंदगी होती है वो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देती, हल नहीं देती है, और नॉट डज इट फॉलो एनी सिस्टम और सीक्वेंस, और ना ही ज़िंदगी जो है किसी सिस्टम के तहत चलती है और ना ही सिक्वेंशियल चलती है, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज ऑफ टूडे रेज क्वेश्चन एंड लीव द आंसर टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज जो होता है तजुर्बेकारी स्टोरीज जो होती कहानियाँ जो होती हैं वो आज की जो है सवाल उठा देती हैं, लेकिन
आंसर को क्या करती हैं, जवाब को क्या करती हैं कि इमेजिनेशन पे छोड़ देती हैं, किसके रीडर के इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ देती हैं कि कहानी ने सवाल कर दिया है, अब जो पढ़ रहा है वो ही इसका जवाब देगा। रीडर के तस्वुर के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉट विल बी द आंसर। टाइम इज़ नो लॉन्गर लाइनियर टू बी मेजर्ड बाय द क्लॉक। टाइम एक कतार के साथ नापा नहीं जा सकता है घड़ी के हिसाब से, ठीक है, घड़ी से। ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है, ये लाइन परफेक्ट है, लेकिन आगे की लाइनों से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बट आप रीडर हैं, आप लिसनर हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से डिपेंड कर सकते हैं। वैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमें इन चीज़ों के अंदर खुद को कन्फाइंड नहीं करना है, हमें बस समझना है और आंसर जाके लिखना है। एवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स एंड एक्शंस। कभी भी जब जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है इंसानी मकासद की या उनके एक्शंस की, उनके मुहरिकात की, उनके हरकतों की, ठीक है, मायरिट लेवल्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी हैव नेसेसिटेटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू नैरेटिव टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। एक बेशुमार लेवल है इंसानी नफ्सियात की और ऑब्जेक्टिव जो हकीकत है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है, वो उन्हें ज़रूरत पेश आती रही है उस तजुर्बात को, यानी कि उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, और इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सप्लोरेशन न्यू टेक्निक्स और डिवाइसेस की ज़रूरत है नरेशन को, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगी और अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है पैराग्राफ अच्छी तरह से एलाबोरेट हुआ है, सबको समझ में आया, और अगर कहीं किसी को नहीं आया तो प्लीज़ कम टू माई कमेंट सेक्शन। जज़ाकअल्लाह।